आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। स्वामी प्रसाद मौर्य बीते रविवार को गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तथागत बौद्ध की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने बौद्ध की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मौर्य ने हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों पर जमकर भड़ास निकाली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हमारे खिलाफ एक से दो नहीं बल्कि साधु के भेष में आतंकवादी हमारी हत्या कराने की बात कर रहे थे, तब यही योगी सरकार शांत बैठी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज सत्ता पक्ष के लोग एक नेता के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि देश में हिंदुओं की संख्या घट रही और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही। इस पर मौर्य ने कहा कि इस बात का हिंदू नीच होने के लिए, हिंदू आपकी गुलामी करने के लिए आज आप लोगों को हिंदुओं की चिंता सता रही, जब आप लोगों ने हिंदुओं को पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया। हिंदू समाज की किसी भी नारी को आप लोगों ने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन हम सब एक की भावना अगर आप में होती तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज इनको हिंदुओं की चिंता सता रही। वही आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि देश में जो भी है वो हिंदू है, क्योंकि हिंदू बौद्ध सिख जो भी है वो हिंदू है। समय समय पर धर्म परिवर्तन कर वह अन्य धर्म में चले गए, ऐसे में सभी हिंदू थे तो मुसलमान कहाँ से आ गए। हम कहते हैं कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, तो फिर हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया। वही सपा नेता ने कहा कि जो संविधान की कसम लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज वही लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, वही लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जब भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र की बात कही ही नहीं गई, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना गैर संवैधानिक है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संविधान विरोधी के साथ ही भारत विरोधी भी, वो भारत को बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये लोग देश के दुश्मन हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के बंटवारे की बीज बोना है, या लोग हिंदू राष्ट्र बनाकर हमें शूद्र बनाकर गुलामी करने को मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति ने 5 साल के ब्राह्मण को 100 साल के क्षत्रिय का पिता बताया। अभी आपने देखा मैं कौन थे, क्या किया था, मैंने कभी नहीं कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधम नहीं कह सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को पढ़ने लिखने से मना नहीं कर सकते, धर्म की दुहाई देकर किसी को प्रताड़ित करने मारने और पीटने के लिए उकसा नहीं सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही बात है, और क्या थोड़ा भूचा लागे जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे। कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर पैर रहे हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अति हत्याकांड पर तंज कसते हुए कहा कि सैकड़ों पुलिस के बीच में 3 भाड़े के गुंडों ने हत्या कर दी और फिर सरेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस की एक भी गोली नहीं चली, तो जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए था वो आज गुंडे करें। योगी जी आप अपनी ही पुलिस को निकम्मे होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही यही कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कर सकते, धर्म की आड़ में आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन क्या हुआ, जब साधु के बेस में सारे आतंकवादी बोलने लगे, कोई मेरा सिर कोई मेरी जुबान काटने पर इनाम दे रहा था, लेकिन योगी सरकार किसी के खिलाफ केस नहीं दर्ज किया। मुख्यमंत्री कहता है कि उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को 14 लोगों ने जान से मारने की धमकी दी तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। तो ऐसे ही बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी, देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव।